फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ यहाँ पे रावण का चबूतरा पे। एक छोटा सा कार्निवल लगा हुआ है तो मैं वहाँ पर आई हूँ, तो आपको भी लेके चलती हूँ मेरे साथ में मैं कार्निवल में। एंड एंटर होते ही हमें ये खूबसूरत सी शंकर भगवान की जो है प्रतिमा, जितनी भीड़ देख के ना मैं तो इतना घबरा गई कि सबसे पहले तो मैंने जूस पिया, उसके बाद मैंने ये राइड्स में मैं तो नहीं बैठी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा चक्कर का और वॉमिटिंग का इशू रहता है राइड्स में। मैंने जस्ट जब मैं छोटी थी ना फ्रेंड्स, जब मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरह के मेले में लेकर जाया करते थे, तो तब मैं एक दो बार इस नाव वाले झूले में बैठी थी और इतनी गुदगुदी होती है ना इसमें फ्रेंड्स, जब भी ऊपर से नीचे आती है ना इतनी भयंकर वाली गुदगुदी होती है मुझे। आपको भी होती है क्या? कमेंट में मुझे बताना। एंड फ्रेंड्स, इस झूले का क्या पर्पज़ होता होगा? ऊपर ये इतनी सारे लोग है ना इधर उधर देख रहे हैं इसमें बैठ के, इतना तेज़ भी कोई गोल गोल नहीं घूम रहा है, बस धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा था। मुझे लगता है ये लोग पूरा मेला देख रहे होंगे ऊपर से बैठ के। बाद ना एक भूत बंगला वाला आने वाला है, मैं तो अंदर गई नहीं, उसमें इतनी भयंकर आवाज़ें आ रही थी। और मुझे कहीं चाट दिख जाए और मैं ना खाऊं, ऐसे तो हो नहीं सकता। वैसे तो मेले में नहीं खाना चाहिए कुछ भी, बट चाट के पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। फिर एक सेक्शन मुझे दिखा जहाँ पर मिट्टी के खूबसूरत खूबसूरत खिलौने, खूबसूरत बर्तन, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने देखी। और कुछ एक चीज़ फ्रेंड्स, ये देखिए मिट्टी का खरगोश, लेकिन मुझे तो ये गाय के जैसे लग रहा है। आपको भी ये गाय के जैसे लग रहा है क्या? कमेंट में मुझे बताना कि खरगोश ही लग रहा है। फिर आती है हम सब लेडीज का फेवरेट पार्ट, ज्वेलरी शॉपिंग। तो मुझे यहाँ पर एक कुछ बैंगल्स पसंद आए और कुछ इयररिंग्स, तो वो मैंने यहाँ से परचेज की। अब मैं आपको मेले का नाइट का व्यू दे रही हूँ, क्योंकि हम गए थे 5:30-6 बजे के करीब, और फिर 7:30-8 बजे के करीब अंधेरा हो गया था। गाइस, हम कार्निवल में आए थे और हमने बहुत दिखा ना। तो गाइस, हम कार्निवल में आए थे और हमने बहुत बहुत एंजॉय किया इधर। हमने गेम्स खेले, कॉटन कैंडी खाई, बहुत मजे किए। ओके, बाय गाइस। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक